control, style, beauty, performance, ये सब सुजुकी के जेन्युइन पार्ट से ही मुमकिन है। अगर आप ऑल न्यू स्विफ्ट को इसी तरह देखना चाहते हैं, जानदार और शानदार, तो अपनी करीबी ऑथराइज्ड डीलरशिप पे आइए। बार बार जी हाँ, मतलब ये कि जब भी स्विफ्ट के किसी जेन्युइन पार्ट की इंस्पेक्शन या रिप्लेसमेंट ड्यू हो जाए, तो फौरन पार्क सुजुकी की ऑथराइज्ड डीलरशिप पर तशरीफ लाइए, क्योंकि सिर्फ पार्क सुजुकी ऑथराइज्ड डीलरशिप्स ही सुजुकी स्विफ्ट को शानदार तरीके से मेंटेन रखने की सलाहियत रखती हैं। न सिर्फ ये, बल्कि बर वक्त स्विफ्ट को ऑथराइज्ड डीलरशिप पर इंस्पेक्ट करवाते रहने के बड़े फायदे हैं। पार्क सुजुकी की माहिर और SSQS सर्टिफाइड टीम आपकी स्विफ्ट को टॉप नॉच रखती है। बर वक्त पार्ट्स और ऑयल्स की इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट से स्विफ्ट की लाइफ लंबी रहती है। आपकी स्विफ्ट मुकर्रा वक्त तक वारंटी में रहती है। स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू ज्यादा रहती है। सबसे बढ़कर आप परेशानी से आजाद रहते हुए ड्राइविंग के मजे ले सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा ही कि स्विफ्ट के इतने सारे पार्ट्स की इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट कैसे याद रहे। घबराइए मत, हम हैं ना। स्विफ्ट की परचेज के साथ आपको शेड्यूल्ड मेंटेनेंस चार्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें तमाम तर पार्ट्स और ऑयल्स की इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट गाइडलाइंस मौजूद होती हैं। इस सिलसिले में आप किसी भी पार्क सुजुकी ऑथराइज्ड डीलरशिप से मदद भी हासिल कर सकते हैं। चलें हम आपको इन तमाम पार्ट्स और ऑयल्स में 12 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट इंटरवल्स अभी ही याद करवा देते हैं और इजी कर लेते हैं। इस वीडियो में 6 प्रोडक्ट्स मुलाहिजा करते हैं और अगली वीडियो में रिमेनिंग 6 प्रोडक्ट्स का जायजा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Let's start। जरा बताइए कि न्यू स्विफ्ट का इंजन ऑयल इनमें से किस इंटरवल पे चेंज करवाना जरूरी है। सही जवाब है 6 महीने या 7500 किलोमीटर चल जाने पर। और याद रखिए कि स्विफ्ट के लिए हाईली रेकमेंडेड ऑयल है X-Star। अब ये बताएं कि न्यू स्विफ्ट का ऑयल फिल्टर इनमें से किस इंटरवल पे चेंज करवाना होता है। सही जवाब है 6 महीने या 7500 किलोमीटर चल जाने पर। जी हाँ, ये भी इंजन ऑयल चेंज करने के साथ ही रिप्लेस किया जाता है। एयर फिल्टर कब इंस्पेक्ट किया जाता है? सही जवाब है हर 2500 किलोमीटर गुजर जाने पर। यहाँ ये याद रखना जरूरी है
कि शदीद ड्राइविंग कंडीशंस में, बिलखुसूस अगर आपकी स्विफ्ट डस्टी एनवायरनमेंट में चलती है, तो एयर फिल्टर को इससे पहले इंस्पेक्ट करवाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग्स कब रिप्लेस किए जाते हैं? हर 8 महीने या 10,000 किलोमीटर चल जाने पर। आम हालात में ब्रेक पैड्स कब इंस्पेक्ट किए जाते हैं? हर 12 महीने या 15,000 किलोमीटर चल जाने पर। खराब ड्राइविंग कंडीशंस में इससे पहले भी इंस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इस वीडियो में आपसे आखिरी सवाल, इंजन कूलेंट कब चेंज करना जरूरी है? हर 36 महीने या 45,000 किलोमीटर गुजर जाने पर। इंजन कूलेंट को बिलखुसूस गर्मियां या सर्दियां शुरू होने से पहले इंस्पेक्ट करवाया कीजिए। तो आपके कितने जवाब दुरुस्त रहे? मजीद 6 पार्ट्स की इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट गाइडलाइंस जानने के बारे में देखिए अगली वीडियो।